नाश्ते का है जो अंडा बन रहा है, कोई अंडे से खाता है, कोई अंडे के साथ खाता है, कोई सालन के साथ खाता है, कोई दही के साथ खाता है। हर किसी की अलग अलग फरमाइशें हैं, हर कोई अपनी अपनी पसंद का करता है। मैं अपने बच्चों को कभी रोक टोक नहीं करती, मैं कहती हूँ जैसे दिल चाहे इनका खाएं, क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ होता है। ये लोग हैं तो हम हैं, ये नहीं है तो हम क्या हैं। अपने बच्चों के साथ ही ये खुशियाँ अल्लाह ताला देता है, तो इनको खुश रखना चाहिए, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। मेरे घर में बेटा बेटी की कोई नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, बराबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी बेटी ने अंडा बनाया, अभी इसने और क्या दही भी साथ लेनी है? नहीं, दही। हाँ, अंडे के साथ दही नहीं लेनी? नहीं। क्यों नहीं लेनी? चाय। चाय ले लो। ये अभी मैं साथ थोड़े से फ्राई कर रही हूँ कबाब, क्योंकि शुएब आ गया अभी। अभी मुझे नाश्ता दो, दिन का 12 बज रहे हैं, तो मैं उसके लिए नाश्ता भी बना रही हूँ। तो साथ थोड़े से कबाब पड़े थे, मैं सोचा वो फ्राई करके बेटे को दे दूँ। दोनों बेटों ने खाने हैं अभी, तो ये देखें अब थोड़े से कपड़े मेरे रह गए हैं, मैंने धो दिए हैं। स्पिन मैं साथ कर रही हूँ। मेरे भाई गोश्त लेकर आया है, किलो लेकर आया है, आधा मैं अभी बनाऊंगी, आलू गोश्त बनाएंगे, तो आधा मैं कल बना लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं ना बना सकते, तो इसलिए मैं अभी। बेटा प्रेशर कुकर लगाएंगे? जी, प्रेशर कुकर लगाना है। हाँ, तो चूल्हा साफ़ किया है? अभी चूल्हा भी नहीं साफ़ किया आप लोगों ने? अभी साफ करती हूँ। हाँ बेटा साफ़ कर दो ना, सफाई होनी चाहिए। तो मैं कपड़े भी साफ साफ हो गई है। मोहन कहती है ना हम जाते हैं बाहर बाजार जाते हैं, बाज़ार में कुछ चीज़ें ले आऊँ, तो लेकिन मैं नहीं जा रही, इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं कपड़े धो रही हूँ, मेरे कपड़े गिले हैं, मैं नहीं जा रही। तो ये कहती है अभी जाएँ, अभी नहीं जाते, शाम को जाएंगे ना। नहीं बेटा शाम को जाएंगे ना, शाम को ले आएंगे ना बेटा, आपको ले जाऊंगी। ले, वो निराश होके जा रही है। नहीं, कितने जा रही? इधर आना। तो क्या कर रहे हो? प्याज लिए? हाँ प्याज भी लेने गया है जुएब, उसको मैंने पैसे दिए हैं, ले आता है। तो ये बर्तन धो लिए, प्रेशर कुकर में बनाना। प्रेशर कुकर वाला आया तो मुझे बताया ही नहीं, उसको आवाज़ दी तो है उसने। मेरा अभी मुझे जब गोश्त गलाने का टाइम आता है ना, उस वक्त इनको याद आता है। अब वैसे हमें याद ही नहीं रहता क्या करें, सच में याद ही नहीं रहता। चल मैं फिर। अच्छा बेटा चटनी भी सलाद भी बनाना है ना, क्या बनाना है? चावल बनाने, मटर वाले पुलाव बनाना है? नहीं फिर है? नहीं, मेरे दिल में मटर ख़राब हो जाएंगे ना, इतने दिनों की सब्जी आई पी है। आज अब मटर वाला पुलाव बना लो ना, कल बना लेंगे, जब परसों बना लेंगे, हर दिन ही जी बनता है। रात को भी हमने चावल बनाए हैं, बॉयल किए हैं रात को चावल हमने बॉयल किए हैं, कोई दिन नहीं जाने देते। हम लोग शायद इंडिया में पैदा हुए थे, बांग्लादेश इंडिया में पैदा हुए। अच्छा, इंडिया में खाने के साथ नहीं, रात को चावल बॉयल करते हैं अली के लिए, अली खाता है ना। अली को मैं एक टाइम में चावल देती हूँ, एक दिन मैं उसको आलू बॉयल करके देती हूँ, जैसे जैसे उसका दिल चाहता है ना, फिर मैं उसको ऐसी 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 चीज़ें खिलाती हूँ। क्योंकि अली को दूध के साथ साथ ना अब दूसरी, माशाल्लाह 10वें महीने में जा रहा है अली, तो उसको दूसरी चीज़ें चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। कभी मैं सूजी की उसको खीर बना कर दे देती हूँ, कभी मैं उसको रसम चाय में रस डिप करके, हाँ, डिप करके वो भी खाता है, लेकिन मैं कहती हूँ इसको नहीं खिलाया करो। मैं देखी कपड़े साथ साथ धो रही हूँ, क्या करें। ये बच्चे के बच्चों के कपड़े जो है ना, ये सूखते कहाँ हैं? आज मेरा पूरा दिन जो है ना इन कपड़ों में गुजर गया है। कोई इतवार, आज मैंने जाना था, बच्चे कहते थे अम्मी हमने जाना है कहीं घूमने जाना है, पार्क में ले जाए, तो शुएब बेचारा आया नाश्ता करने के लिए आया, फिर अम्मी को मैं लेकर जाऊंगा, बच्चों को लेकर जाऊंगा, बहनों की ख्वाहिश है तो मैं ले जाऊंगा। आज मैं ना सबको मना कर दिया, मैं किसी के साथ नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं घूमने फिरने, बच्चे हैं जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है लड़के जो हैं जाते तो हैं ना, फिर वो नहीं गए। तो जब मैं इधर देखा इतने कपड़े, मैं फिर कपड़े धोने लग पड़ी। मैं शुएब बोला अम्मी चलना नहीं, मैं बेटा यार मैं कपड़े धोऊंगी तो यार फिर मैं घूमूंगी तो आज मैं पता है क्या करती हूँ, इन सब को घुमाती हूँ घर पे मशीन में डाल के तो
नए कपड़े जब धोने लगी तो बेटियाँ मेरी जो वो भी निराश हो गई। मीरब को बुखार भी था, मारती मैं इनको नहीं हूँ इसलिए नहीं मारती क्योंकि मेरी नवासियाँ जो है ना बड़ी लुड़ियाँ लड़ियाँ हैं ना। तो फिर मैंने प्यार से समझाया कि शाम को आप मैं उसको लेकर जाऊँगी, कहीं ना कहीं तो ले जाऊँगी, किसी दुकान पर ही ले जाऊँगी। अभी तो मैं कपड़े धो रही हूँ, धो कर फिर देखते हैं मैं कितने बजे शाम को भी ले जाती हूँ ये नहीं। ये अभी साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ तो मैं अपनी बेटी को बोला मुझे एक कप चाय का पानी दो, मुझे ना सर्दी इतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और आ गया नहीं वो बेचारी बर्तन धो रही है। तो ये देखिए अभी मेरे लिए चाय बना रही है, सास अली के लिए पानी बैर कर रही है क्योंकि अली का पानी जो है मुझसे गिर गया है। तो मैंने अभी अली जो है रो रहा है तो रिदा को मैंने बोला है जल्दी जल्दी बैल कर उसका फीडर बनाया, जल्दी से बेटा चाय बना कर मुझे दो ना। बन गई है बस। ये अभी मेरी बेटी साथ में थोड़ी सी मैक्रोनी बना रही है कि चस्के हैं भाई, चस्के चस्के बना रही हो ना। ये मेरी बेटी अपने लिए अम्मी मेरा दिल कर रहा है तो फिर मैं ये बना लिया है। जब बनाने लगती है फिर सब कर लिया पर हाँ फिर दिल तो करता है, क्यों नहीं दिल करे भाई। ये चटकारी चीज़ें जी हैं नहीं कौन नहीं खाता। ये तवा किस लिए रखा है आपने? मून के लिए पराठा बनाना है। अच्छा मून के लिए पराठा भी अभी बनाना है। ये अभी मैं मैक्रोनी खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, तो ये मैं खाऊंगी और मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। आप लोग इधर क्या कर रही हो बच्चे? से भून कर फिर मैं आलू को बुलाने के लिए पानी लगा दूंगी, साथ में रोटी बनाना शुरू कर दूंगी। ये कपड़े भी धुल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी चरपाई पर भी इतने कपड़े हैं बड़े सूखने वाले। तो बच्चियां आप खेल रही हैं तो माशाल्लाह मेरी बेटी ने लगे हाथों फर्श भी धो लिया है। तो ये किचन का फर्श धोया फिर गंदा किसने किया है? कैमरा क्यों गंदा हो रहा है पता नहीं। पतला रखना था ना, चलो कोई बात नहीं, चलो बंद कर दो। आंटी बन गई रोटी बना रही हो? सब मेरी बेटी माशाल्लाह रोटी बना रही है। आज मैंने बर्तन साथ साथ ही धोए हैं, चूल्हा भी अभी गंदा फिर इन्होंने कर दिया। ये देखे भी बर्तन भी हो गए हैं, क्या करें। तो अब बेटी मेरी जो है वो तो दूसरी जो है अपने बेटे को लेकर बिस्तर में चली गई है क्योंकि जो बेबी है ना उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। बेटा ये धनिया इस तरह धनी ना डालना, ये मैंने आधा दिया ना बाकी ऐसे ही डाल दिया, अभी सेट करती हूं। हाँ हरी मिर्ची डाली है? हाँ डाली है मैंने तो। अच्छा जो धनिया है ना इसकी चटनी बनानी है ना? आप तो नहीं बनाओगी ये तो मुझे पता है। सारा काम की है। हाँ असलदार सुमैरा सारा दिन आराम करती रही है, कपड़े सुमैरा ने आराम किया है सारा दिन में। तो फिर सुमैरा की ना अभी आंडी रोटी थी बनाने, तो बहुत कुछ था लेकिन बना नहीं सके क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। इतनी मैं थक गई हद तो ज़्यादा मैं थक गई, मेरे जिस्म में दर्दें ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। सर्दी है ना, सर्दी मुझे लग रहा है बा होगी। आज तो मैं अंडा और दूध लेकर सोऊंगी तो इसलिए ना पास रख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल मैं लेकर हमने सराम रख लूँगी।
अच्छा बेटा जब ना रोटी बना रानी है चूल्हा साफ कर देना क्योंकि ये वाला गंदा हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है तो अब मैं ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। ये देखो अच्छा मोन किससे बात कर रही हो? अपनी फ्रेंड से। आपका फ्रेंड कौन है? अच्छा ओके बाय करो ना इनको। हेलो पप्पी किसने देनी है? मीरा ये देख लो प्लीज। अच्छा मीरा आपने शूज नहीं दूसरे पहने, मुन्ने आपने भी नहीं पहने जुराबे, दोनों ने नहीं पहनी है, टोपियां भी नहीं है, सर्दी है। चले अंदर। ओके जी अल्लाह हाफिज़।